में बैठा है, ऐसी आवाज आएगी क्या? देखिए 28 तारीख तय हो चुकी है चुनाव की। अभी अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव होंगे। अभी मैं फिर से भारत माता की जय बुलाऊंगा। भाजपा के विजय के संकल्प के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर विरोधियों के दिल दहल गए, ऐसी प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी ने वो मुख्यमंत्री की कमेटियों का
का चेयरमैन बनने का काम हमारे श्री शिवराज सिंह जी को। शिवराज सिंह के नेतृत्व में 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी जिसके जिम्मे पूरे देश के किसानों के आय को दोगुनी करने का काम है और आज मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आगे बढ़ रही है और बातों से नहीं होती आय दोगुनी। कांग्रेसियों ने भी नारे लगाए, ये श्रीमान पंटाधार जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी नारे लगाते थे किसान कल्याण के, मगर किसानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। नरेंद्र भाई की सरकार आई और 2009 से 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए 1,21,000 करोड़ रुपया दिया था। जरा जोर से बोलो, कितना दिया था? ऐसे बोलोगे क्या भाई? जरा जोर से बोलो, कितना दिया था? 1,21,000 करोड़। ज्यादा लगता है ना? मगर नरेंद्र मोदी की सरकार आपने बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उन्होंने 14 से 19 के बीच में 2,11,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये कांग्रेसी नारा लगाते हैं, अभी राहुल बाबा घूम रहे थे, मैं देख रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपकी सरकार याद थी 2003 में जब आपकी सरकार थी तब अंतिम बजट देने का मौका है मध्य प्रदेश की जनता ने दिया, किसानों के लिए कितना रुपया दिया आपने? श्रीमान बंटाधार की सरकार थी तब 2003 के बजट में किसानों के लिए 2,915 करोड़ रुपया दिया था, 2,915 करोड़। जरा बोलो किसान भाइयों, कितना दिया था? सिर्फ 3,000 करोड़। आज शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2018 का बजट शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा है, 2,900 करोड़ को बढ़ाकर 23,900 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, 23,900 करोड़ मतलब 21,000 करोड़ ज्यादा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किया है, यही बताता है कि किसानों के लिए कितना काम है। मित्रों, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसान कितना समृद्ध हुआ है वो बताने के लिए कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, 280 मिलियन टन, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन। फल और सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, 307 मिलियन टन, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, 24.51 मिलियन टन, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सारे उत्पादन के रिकॉर्ड, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, कपास हो, दाल हो, सब्जी हो, सारे उत्पादन के रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। और 2013-14 में मोनी बाबा मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग किसानों को कितना ऋण देते थे। किसानों के ऋण दोगे तब तो किसान अपनी फसल उगाएगा। कांग्रेस की सरकार 8,00,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देती थी, 8,00,000 करोड़ रुपया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8,00,000 करोड़ को बढ़ाकर 11,80,000 करोड़ किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके अलावा बहुत सारे काम किए। मेरे सामने मध्य प्रदेश का किसान बैठा, माताओं बहनों भाइयों बताइए, कांग्रेस के शासन में यूरिया की तकलीफ होती थी या नहीं होती थी? यूरिया मिलने में दिक्कत आती थी या नहीं आती थी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी
नीम कोटेड किया है, यूरिया की कालाबाजारी बंद होकर हर किसान को समय पर यूरिया मिलने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते थे, प्रयोगशाला में जो प्रयोग होते थे, इसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगभग 585 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़ा गया और ये 585 मंडियों में 186 लाख टन उपजों का कारोबार हुआ है और किसान को 13,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, औने पौने दाम में ये दलाल जो बीच में बैठते हैं किसानों की फसल खरीद लेते हैं। किसानों की मांग थी 70 साल से कि हमारी उपज का दाम, हमारी फसलों का दाम अपनी लागत से 1.5 गुना मिलना चाहिए। और माताओं बहनों भाइयों, कोई सरकारें नहीं करती, नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी और खरीफ दोनों फसलों में किसानों को लागत से 1.5 गुना मूल्य देने की शुरुआत करने का काम करकर किसानों के घर में समृद्धि पहुंचाने का काम किया। अभी अभी रबी फसलों के दाम घोषित किए, गेहूं के दाम 1840, मसूर 4400 रुपया, रायता सरसों 4200 रुपया, कुसुम 4900 रुपया, चना 4600 रुपया और जौ जो पशु को खिला देते थे वो जौ का दाम भी 1440 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धान के अंदर 220 रुपये की बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ये जब सब कुछ हो रहा है इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार आगे चल रही है। इसके साथ साथ जब आपदा आती थी, सूखा आता था, बाढ़ आती थी, और सूखा और बाढ़ जब आते थे तब देश के किसान के लिए ऊपर भगवान होता था, नीचे धरती मां। आपदा सहाय के सारे मानकों को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पहले 50% खराबा है तो ही सहायता मिलती थी, अब 33% खराबे में भी सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सहायता की राशि 50% बढ़ा दी, 1 हेक्टर से बढ़ाकर सहायता 2 हेक्टर कर दी। हर अंदर सहायता बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के तहत 99 सिंचाई योजनाएं और 27 लाख हेक्टर माइक्रो इरिगेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसके अलावा मित्रों, बहुत सारी चीजों में किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हमारे शिवराज जी हैं, उन्होंने तो सारे किसान कल्याण के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। मैं अभी हेलीकॉप्टर में कहता था, भाई भैया कुछ तो बचा कर रखो, अगले 5 साल में गया। तो उन्होंने कहा, अमित भाई अगले 5 साल में इससे भी आगे बढ़कर काम करेंगे किसान। जब कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ 7.5 लाख हेक्टर जमीन सिंचित थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने 7.5 लाख हेक्टर को बढ़ाकर 40 लाख हेक्टर करा है और 80 लाख तक ले जाने का वादा है। विद्युत उत्पादन 2900 मेगावाट था, आज 2900 मेगावाट से बढ़ाकर 17,700 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मित्रों, फसल का उत्पादन प्रति हेक्टर 831 था, आज प्रति हेक्टर
किलो से बढ़कर 1785 किलो करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गेहूं, धान, दलहन, सोयाबीन सब जगह उत्पादन 4 गुना 5 गुना 6 गुना। ये कैसे आंकड़े थे? वो तब बनते हैं जब मुख्यमंत्री के दिल में गरीब किसानों के लिए टीस हो, दर्द हो, तब होते। ये राजे महाराजे उद्योगपति गरीब किसान का दर्द नहीं समझ पाएंगे। शिवराज जी इसलिए समझ पाए हैं कि शिवराज जी खुद गरीब किसान का बेटा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने। ये राजे महाराजे आपका दर्द नहीं समझ सकते, उनको मालूम भी नहीं है रबी में क्या किसान उगाता है, खरीफ में क्या उगाता है। कोई पूछ दे ज्योतिरादित्य को, ज्योतिरादित्य जी को पूछ दे कि भैया सरसों रबी में होती है या खरीफ में, मैं कहता हूं जवाब नहीं दे पाएंगे। मिट्टी को हाथ लगाया नहीं और किसान कल्याण की बात करने चले। मित्रों, शिवराज जी ने एक जमाने में कांग्रेस के शासन में ये जगत के तहत जगत के अन्नदाता किसान को 16% सूद से ऋण दिया जाता था। कितने प्रतिशत से दिया जाता था? जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। और 16% से आज सारे मध्य प्रदेश को सूद रहित 0% से ऋण देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूध का उत्पादन पहले 5 मिलियन टन था और दूध के उत्पादन को 9.95 मिलियन टन दो गुना करने का काम शिवराज सिंह ने किया। मित्रों, ज्यादा समय नहीं, मगर मैं तो आंकड़े देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर औसत 18% कृषि विकास दर है, अरे राहुल बाबा आपका एक राज्य उठाकर देख दो 10% से आगे बढ़े हो तो शिवराज जी मध्य प्रदेश को 22% तक ले जाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और औसत 18% काली साइड में आगे बजा दे। और औसत 18% कृषि विकास दर देने का काम किया है। हमने सिर्फ नारे नहीं लगाए, हमने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम करने हैं। मगर किसान भाइयों बहनों को मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देश की सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जरा जोर से बोलिए। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, आप देश का पेट भरने का काम करते हो और हमारे जवान देश की सुरक्षा का काम करते हैं। देश की सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीछे नहीं बोल रहे, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्र घुसपैठिए देश में जो घुस रहे हैं वो घुसपैठिए दिमाग की तरह देश की सुरक्षा को चाट गए। यहां बम धमाके करते हैं, गोलियां चलाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं। घुसपैठियों को निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री एनआरसी लेकर आए, सिटीजन रजिस्टर लेकर आए, कि कांग्रेस के राहुल बाबा एंड कंपनी ने हाई टोबा मचाया। सारे सपा बसपा कांग्रेस डीएमके कम्युनिस्ट सारे छातियां पीटने लगे जैसे उनकी नानी मर गई। आलिया मालिया जमालिया घुसे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आसाम के अंदर एनआरसी बनाया, 40 लाख लोगों को चिन्हित किया है, उनकी जांच होकर देश के बाहर निकालने का काम। और आज इजावरा की पवित्र भूमि पर, रतलाम की भूमि पर देश के अन्नदाता किसानों को मैं वादा करने आया हूं, एक बार यहां बीजेपी की सरकार बना दीजिए, केंद्र में फिर से मोदी जी को 19 में ला दीजिए, देश भर में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम
अरे दिग्विजय सिंह बड़ा महल है, आप राजा साहब हो, सारों को आपके घर में रखो भैया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस देश की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मित्रों, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का शासन। नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव आसमान तक छुआने का काम। अभी कमलनाथ जी एक जगह भाषण कर रहे थे, मैंने सुना, अभी उम्र के बावजूद भी जोर से बोलते थे, राहुल बाबा की तरह जोर जोर से बोलते थे। वो कहते थे कि मोदी जी विदेश के बहुत दौरे करते हैं। मुझे भी लगा कि मोदी जी जाते तो है, जरा जरा आंकड़ा देखे। मैंने ध्यान से देखा, मोदी जी ने मौनी बाबा मनमोहन सिंह से कम दौरे करे। मुझे लगा कि ऐसा क्यों लगता, अरे सुनिए तो, मुझे लगा ऐसा क्यों लगता है कि कम दौरे करें, कम दौरे करें फिर भी ज्यादा क्यों लगते हैं। तो मैंने जांच किया, किसी को पूछा तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि साहब ऐसा है, पहले मनमोहन सिंह जाते थे तो हाथ में दो पन्ने मैडम के दिए हुए अंग्रेजी में लिखे हुए लेकर जाते थे और वहां पढ़कर वापस चले आते, और कभी कभार तो मलेशिया का पन्ना थाईलैंड में पढ़ देते थे, थाईलैंड का पन्ना मलेशिया में पढ़ देते थे। ना वहां किसी को मालूम पड़ता था, ना यहां किसी को मालूम पड़ता था। अब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, रशिया जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, लंका जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं, जहां जहां जाते हैं हजारों हजारों की संख्या में लोग मोदी 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 करकर मोदी जी के स्वागत के अंदर एयरपोर्ट पर खड़े हैं। और इसलिए दुनिया को मालूम पड़ता है कि मोदी जी विदेश गए हैं, मगर मित्रों ये मोदी जी के स्वागत में ये मोदी मोदी के जो नारे होते हैं ना, वो मोदी जी के लिए नहीं लगते, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लगते। देश की 125 करोड़ की जनता के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने देश के सम्मान को दुनिया में ऊंचा ले जाने का काम किया। दुनिया में कई बार इस समिट हुई, आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमी समिट हुई दाओस के अंदर, कई सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री गए, सब यहां से मौका देखकर जाते थे किसी से हाथ मिला ले और फोटो आ जाए। इस बार मोदी जी गए, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां थे, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रहते कभी किसी का भाषण नहीं होता था, इस बार उसका भाषण देने का काम, इसका सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावों से दिया। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि अर्थशास्त्री कहे जाने वाले मनमोहन के समय में देश 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। दुनिया में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था पड़ता भाई, जरा जोर से बोलो, कौन से नंबर की? और मित्रों आज 9वें नंबर से 40 साल में मोदी जी ने 6वें नंबर पर पहुंचा है, कौन से नंबर पर पहुंचा है? और मैं आपको कहता हूं शिवराज जी की शपथ के पहले 5वें नंबर पर पहुंचने का काम भी होता है। विश्व के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, और सिर्फ उद्योगपतियों के सहारे नहीं, मेरे किसान भाइयों की समृद्धि बढ़े, आदिवासियों की बढ़े, दलित भाइयों की समृद्धि बढ़े, इसके भी समाजिक उपाय मित्रों। ये सारी चीजें शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक निमारू राज्य को विकसित राज्य में बदलने का काम किया है। आपके हर गांव में बिजली आती है नहीं आती है? जोर से बोलो, आती है नहीं आती है? हर गांव रोड से जुड़ा है नहीं जुड़ा है? 5 लाख तक का हर एक का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है? हर बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था
बच्चा आपके सामने बैठकर चर्चा कर, मगर आप विकास नहीं कर सकते हो, आप मध्य प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आपको मौका दिया था 10-12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने का, आपने कहा। मित्रों, जरा ध्यान से सुनिए, 28 नवंबर को मतदान है, सब इकट्ठा होकर परिवार के साथ 10:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बटन दबाओगे? इतने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ ऊपर करो, सबके पास है ना? ये सभा समाप्त होते ही अपने 50 सगे संबंधी, चाचा चाची, भाई भतीजी, भाभी, मामा मामी, फूफी फूफा, फोन कर कमल के निशान पर बटन दबाने का फोन करोगे? हर एक के 50 फोन करने हैं, करेंगे?